फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि नॉट विद स्टैंडिंग क्या है। आप कहते हैं कि इस टॉपिक को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए फ्रेंड देखें कि नॉट विद स्टैंडिंग क्या है। नॉट विद स्टैंडिंग का इस्तेमाल हम प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और एडवर्ब की तरह करते हैं। यानी नॉट विद स्टैंडिंग एक प्रेपोजिशन है, एक कंजंक्शन है और एक एडवर्ब भी है। तो आइए एक एक करके सभी बात को समझें। जब वर्ड नॉट विद स्टैंडिंग का इस्तेमाल हम एक प्रेपोजिशन की जैसे करते हैं तो इसका इस्तेमाल हम किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं और इसका मतलब होता है के बावजूद। जैसे अगर आपको कहना हो कि गरीबी के बावजूद वह ईमानदार है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज ऑनेस्ट नॉट विद स्टैंडिंग पॉवर्टी। यानी गरीबी के बावजूद वह ईमानदार है। अगर आपको कहना हो कि बारिश के बावजूद भी वह वहाँ गई तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी वेन देयर नॉट विद स्टैंडिंग रेन। यानी बारिश के बावजूद भी वह वहाँ गई। आइए फ्रेंड देखें कि नॉट विद स्टैंडिंग का इस्तेमाल कंजंक्शन की तरह आप कैसे करेंगे। जब वर्ड नॉट विद स्टैंडिंग का इस्तेमाल आप एक कंजंक्शन के जैसे करेंगे तो इसका मतलब होगा के बावजूद। यानी इनका मीनिंग वही रहेगा लेकिन इस वर्ड के बाद आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखना होगा। वह ईमानदार है बावजूद कि वह गरीब है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज ऑनेस्ट नॉट विद स्टैंडिंग ही इज पुअर। यानी गरीब होने के बावजूद भी वह ईमानदार है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि नॉट विद स्टैंडिंग के बाद मैंने बोला ही इज यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात याद रखेंगे कि जब नॉट विद स्टैंडिंग के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आए हों तो आप ये समझेंगे कि नॉट विद स्टैंडिंग का इस्तेमाल एक कंजंक्शन के जैसे हुआ है। आइए फ्रेंड देखें कि अब इस वर्ड का इस्तेमाल हम एडवर्ब की तरह कैसे करेंगे। जब नॉट विद स्टैंडिंग का इस्तेमाल हम एडवर्ब की तरह करते हैं तो इसका मतलब होता है तो भी, फिर भी या किसी भी तरह। यानी यहाँ पर नॉट विद स्टैंडिंग का सेंस एनी हाउ होता है। जैसे अगर आपको कह रहा हूँ कि हम किसी भी तरह जीते तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे We won not withstanding. अगर आपको कहना हो कि वह किसी भी तरह आ गई तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे She came not withstanding. यानी वह जैसे तैसे आ गई या किसी भी तरह आ गई। वह किसी भी तरह जवाब दिया तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He answered not withstanding. यानी वह जैसे तैसे जवाब दिया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको नॉट विद स्टैंडिंग का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया और आपने समझा कि नॉट विद स्टैंडिंग एक प्रीपोजिशन है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और इस सूरत में इसका मीनिंग होता है के बावजूद या फिर भी, और नॉट विद स्टैंडिंग एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है तो भी या फिर भी, और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखते हैं। इसके अलावा नॉट विद स्टैंडिंग एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है किसी भी तरह, फिर भी या तो भी, जो किसी वर्ब के बाद लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन शानदार तरीके से समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।